दोस्तों आज की मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे हम VLC मीडिया प्लेयर का यूज कर किसी भी हाई MB वीडियो को कन्वर्ट कर सकते हैं लो MB वीडियो में। अगर आप चाहते हैं किसी वीडियो को कंप्रेस कर उसका साइज कम करना, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम मैंने सुनी है। कभी कभार क्या होता है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो का साइज काफी लार्ज हो जाता है, जिससे अपलोड करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे हम VLC मीडिया प्लेयर का यूज कर उसी वीडियो को साइज कम कर सकते हैं और फिर उसे हम अपलोड कर सकते हैं आसानी से। एक वीडियो बनाई थी जो कि थी सर्किट वन नाम से। ये वीडियो जो मैंने बनाई थी, सबसे पहले मैं आपको इसका साइज चेक करके बताता हूँ। उस पर आप क्लिक करिएगा और क्लिक करके आप जाइएगा प्रॉपर्टीज पर। तो दोस्तों आपको दिख जाएगा यहाँ पर साइज 127 MB। अब देखिए, मैं इस वीडियो का जो साइज अब दिख रहा है आपको 127 MB, अब मैं इस साइज को आपको रिड्यूस करके दिखाऊंगा कि इस सेम वीडियो का साइज आपको दिखेगा अभी कम हो जाएगा और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वीडियो का दोस्तों मैं आपको साइज कम करके दिखाऊंगा बाय यूजिंग VLC मीडिया प्लेयर। अब देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, सर्च बॉक्स पर टाइप करिए VLC और VLC को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप VLC को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप जाएंगे मीडिया के ऑप्शन पे। मीडिया के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन कन्वर्ट सेव, इस पर आप क्लिक करिए। फिर यहाँ पर आ रहा है दोस्तों ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास खुल के आ जाएगा ये फोल्डर। इस फोल्डर में से अपनी वीडियो सेलेक्ट करें। जो मेरी वीडियो है वो है डेस्कटॉप के अंदर गौरव पोर्टल, और मेरी वीडियो है इस फोल्डर में। तो देखिए, मेरी वीडियो थी सर्किट वन नाम से। अब मैं इस वीडियो को यहाँ ओपन करूँगा। जैसे मैंने ओपन करा तो देखिए यहाँ पर वीडियो का URL आ गया है। अब हम इसे करेंगे कन्वर्ट सेव। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आएगा ब्राउज का, ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे तो अभी आ जाएगा ऑप्शन सेव करने का। आप अपनी वीडियो को सेव कर दीजिए किसी भी नाम से। सर्किट जैसे मैंने सेव कर दिया, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। मैंने इस नाम से सेव कर दी और आप क्लिक कर देंगे सेव बटन पर। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पर। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी कन्वर्ट होना। यहाँ आप देख सकते हैं VLC में, यहाँ पर देखिए ब्लू लाइन आ रही है, यानी ये जो है आपकी वीडियो कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे ये ब्लू लाइन पूरी हो जाए कंप्लीट, मैंने यहाँ पे पहले ही कन्वर्ट कर रखी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, जो आपकी वीडियो दोस्तों वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। देखिए, ये मेरी वही वीडियो सेम सर्किट 10 फाइनल नाम से मैंने सेव करी थी। अब मैं इसका साइज देखने वाला हूँ कितना हो गया। तो देखिए, इसका साइज अब हुआ दोस्तों 79 MB, यानी जो 127 MB की वीडियो थी वो कन्वर्ट हो गई है 79 MB में। इस तरीके से दोस्तों आप रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी वीडियो का साइज। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें।